हेलो एवरीवन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के क्या से फैक्ट्स हैं जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर नेट गेट या आईआईटी जेम में जो आ सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस से क्या इफेक्ट्स बनते हैं, फोटोसिंथेसिस सेकेंड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट क्या होता है, इनमें से क्या ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको ले जाएंगे फोटोसिंथेसिस की तरफ। ये डायग्राम मैंने बना दिया है पहले से ही ऑलरेडी, किसका है, क्लोरोफिल का है। क्लोरोफिल हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, वो इस आर ग्रुप पर डिपेंड करता है कि क्लोरोफिल ए होगा या क्लोरोफिल बी होगा। चलो इसके फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये जो क्लोरोफिल है ये होता कहाँ है, ये क्या है, ये है ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। कहां पर होता है, प्लांट्स में होता है ग्रीन पिगमेंट के फॉर्म में। दूसरा फैक्टर क्या है कि इसके अंदर ये जो पोरफायरिन रिंग है इसको हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग इज कॉल्ड क्लोरीन। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था पोरफायरिन, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि क्लोरोफिल के अंदर जो पोरफायरिन रिंग होती है उसका नाम क्लोरीन होता है। यदि वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो और रेगुलर वॉच करते रहो। थर्ड, इसमें मैग्नीशियम दिख रहा है हमको डायग्राम के अंदर। मैग्नीशियम अपनी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो ये मैग्नीशियम प्लस टू आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, ये जो मैग्नीशियम है वो फोर नाइट्रोजन एटम्स से बाउंड है, फोर नाइट्रोजन एटम्स से इसने बॉन्डिंग कर रखी है। ये जो फोर नाइट्रोजन एटम्स होते हैं ये एक प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो जो मैग्नीशियम होता है वो इन नाइट्रोजन के प्लेन में नहीं होता है, प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होता है, लगभग 30-50 पिकोमीटर अप होता है, ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, प्लेन से बाहर रहता है कुल मिलाकर के। तो इसको हम कैसे कहेंगे, मैग्नीशियम प्लस टू आयन इज एबो द प्लेन ऑफ फोर नाइट्रोजन एटम्स। कितना मैंने कहा, 30-50 पिकोमीटर की रेंज में एबो होता है, ठीक है। और हमारे पास दो टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कब होता है, क्लोरोफिल ए तब होता है जब ये जो आर है वो किसके इक्वल हो, CH3 के इक्वल, मींस यहां आर की जगह पर क्या लगा हो, ये मिथाइल ग्रुप लगा। और दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल बी में बी क्यों कहते हैं, जब यहां पर ये जो आर ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। बाकी सभी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, एक यहाँ पर ये नीचे दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि ये फाइटिल ग्रुप है। ये क्या है, ये मैं यहां लिख देता हूं, फाइटिल ग्रुप, ठीक है। एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, वो लगी हुई है। अब उससे हमको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, थोड़े थोड़े फैक्ट्स जो है वो हम जान लेते हैं। यहां से अभी तक क्वेश्चन उतना बना नहीं है क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ करके रखते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आ सकते हैं। मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कहा था कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक हैं आप सिंपली विकिपीडिया पर देखिए, यदि पढ़ना हो आपको तो विकिपीडिया पर जितना उसका थ्योरी बना करके दिया हुआ है सफिशियंट है, बहुत वहां से ही उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगली बात, इट एब्सॉर्ब लो एनर्जी लाइट लगभग 600-700 नैनोमीटर रेंज की लाइट को एब्सॉर्ब करता है इन रेड रेड रीजन।
उस रीजन में रेड रीजन के लाइट को या लो रीजन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 600 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां कौन से प्रोसेस में यूज होता है ये? इट इज यूजफुल, जो कि सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है भाई ये चीज, तो इट इज यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस। कहां पर? फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस कहां से होता है इसका? ये जो क्लोरोफिल है, इंप्लांट्स, क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड, नीचे लिख देता हूं, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोएंजाइम ए एंड ग्लाइसिन। कहां से सिंथेसाइज होता है? कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन की हेल्प से ये सिंथेसाइज होता है। तो ये सारे फैक्ट्स हो गए लगभग क्लोरोफिल के बारे में, वो जो हमको जानना चाहिए जो केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हुआ क्लोरोफिल का। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर दो, मैं फोटोसिंथेसिस सेकंड और फोटोसिंथेसिस फर्स्ट डिस्कस करता हूं। अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, दुनिया चला देने वाला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसी पर सभी लोग टिके हुए हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो इसको अभी लेते देता हूं, मैं डायरेक्ट टाइप्स पर नहीं आता हूं। देखो पहले क्या हम देखते हैं कि जो बेसिक रिएक्शन है वो होती क्या है, वाटर मॉलिक्यूल X H2O प्लस XCO2 लाइट की प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी को यूज करके CH2O एक्सटेंड प्लस XO2 रिलीज कर देते हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास। ये अब ये कोई एक सिंपल से रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। होता क्या है इस रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? नंबर वन तो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ H2O, एक तो ये होता है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ H2O, H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है जिससे हमको हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है यहां पर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये जो स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस। अब यहीं से मैं बना देता हूं, फोटोसिंथेसिस के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं जिसको हम एक को कहते हैं फोटोसिस्टम सेकेंड, या इसका नाम PS सेकेंड भी कहते हैं, PS सेकेंड, और दूसरा है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, या PS फर्स्ट भी कहते हैं। फोटोसिस्टम जो सेकंड, जिसका नाम फोटोसिस्टम सेकंड है, वो पहले होता है, वहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है और फोटोसिस्टम फर्स्ट तक जाती है। चलिए फोटोसिस्टम सेकंड की क्या खासियत है या क्या फैक्ट्स है इसके, इसमें देखो क्लोरोफिल ए ही यूज होता है और सिस्टम सेकंड है इसलिए इसका नाम सेकंड भी कहते हैं, क्लोरोफिल ए सेकंड। यहां पर फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात करते हैं, यहां पर भी क्लोरोफिल ए ही यूज होता है लेकिन उसको हम फर्स्ट कह देते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट में यूज होता है। इसलिए देखो जो क्लोरोफिल ए है यहां पर फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर, उसका जो एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन का जो मैक्सिमा आता है वो कहां पर आता है? एट 680 नैनोमीटर। कहां आता है? 680 नैनोमीटर पर आता है। जबकि क्लोरोफिल ए जो कि फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट में होता है, उसमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहां आता है? एट 700 नैनोमीटर पर आता है। ठीक है, इसलिए इसको P680 भी कहते हैं और इसको P700 कहते हैं, इसको सुन रखा है तो। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है BSc में हमने पढ़ा है और 11 12th में सिक्सेस चलता रहता है ये तो फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड है 11 12th क्लास में हम बायोलॉजी वाले ज्यादातर इसको जानते हैं। होता क्या है देखो यहां पर, होता क्या है सबसे पहले यहीं पर हम डिस्कशन कर लेते हैं हम कि P680 से या फोटोसिस्टम सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो कहां पर जाता है? ट्रांसफर होते होते जो एक्सेप्टर्स रहते हैं उनसे होते होते एक चेन रहती है, वायर चलता है, कहां कहां जाता है वो देखते हैं अभी। एक इलेक्ट्रॉन चलता है यहां पर, इलेक्ट्रॉन
फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाता है, जो कहां किसके लिए यूज होता है, यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में इसका यूज हो जाता है। तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक चेन में लेते हैं और फोटोसिस्टम फर्स्ट में, और फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी एक चेन होती है और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो वो चेन क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट यदि हम बात करें फोटोसिस्टम सेकेंड की, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से स्टार्ट होता है। फियोफाइटिन कहां से स्टार्ट होता है, फियोफाइटिन से, तो चलता है वाया इधर लिख देता हूं मैं, फियोफाइटिन से स्टार्ट होता है वाया फिनोन ए फिनोन बी, या इनको एक्सेप्टर भी कहते हैं हम, यहां से फिनोन फियोफाइटिन से फिनोन ए बी को जाता है, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन को जाता है, प्लास्टोक्विनोन के बाद ये रिस्के प्रोटीन को ट्रांसफर होता है, रिस्के प्रोटीन जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन है। रिस्के प्रोटीन से अब देखो यहां पर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं बोलते जा रहा हूं तो आप उसको ध्यान से सुनना से। रिस्के प्रोटीन से जो ट्रांसफर होता है वो होता है साइटोक्रोम एफ को, देखो उधर लिखना है मुझे इसलिए मुझे थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है, साइटोक्रोम एफ से ये ट्रांसफर हो जाता है प्लास्टोसाइनिन, या प्लास्टोसाइनिन को हम ब्लू कॉपर प्रोटीन भी कहते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। ये हुआ वाया ये ट्रेवलिंग का कौन कौन सी चेन से होकर के इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोसिस्टम सेकेंड के अंदर, ये हमने देखा क्यूए क्यूबी प्लास्टोक्विनोन रिस्क प्रोटीन देन क्रोम साइटोक्रोम एफ और फिर जाता है प्लास्टोसाइनिन को, या ब्लू कॉपर प्रोटीन भी जिसको हम कहते हैं। ये चला यहां तक ब्लू कॉपर प्रोटीन तक आ गया इलेक्ट्रॉन, अब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट को ट्रांसफर हो जाता है। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर भी ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होकर के आएगा रिसेप्टर्स, इसको रिसीव कर लेंगे रिसेप्टर्स, फिर रिसेप्टर्स में भी ये रिसेप्टर से जैसे ही इसको रिसीव करते हैं फिर एक चेन में ये चला जाता है। तो सबसे पहले ये आयरन सल्फर सेंटर को मिलता है, आयरन सल्फर सेंटर से, मैं इसको यहां ऊपर लिख देता हूं कि आयरन सल्फर सेंटर से वो कहां पर आ जाता है, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, एनएडीपी या पेरिडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज को मिलता है, रिडक्टेज और फेरिडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज से डीपीएच को मिल जाता है ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई एनएडीपीएच तक की, फोटोसिस्टम सेकंड से स्टार्ट होकर के एनएडीपीएच तक इलेक्ट्रॉन चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। अब मैं एक कंप्लीट रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं कि आखिर फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर क्या होता है, फिर डार्क रिएक्शन क्या होती है और नेट रिएक्शन क्या होती है। तो इसको आप कॉपी कर लेना या आपके पास हो तो ठीक ही है, पहले से एक जेड स्कीम में लिखा हुआ रहता है, जेड स्कीम आपने सुना हो। अब इतना मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि 11th 12th का है, आप बायोलॉजी के बुक यदि उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या सिंपली आप जेड स्कीम गूगल करके देख लो तो आपको ये पूरा ये जो मैंने चेन बताई थी आपको मिल जाएगी। मैं रिएक्शन लिखता हूँ, रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखो ये रिएक्शन है हमारे पास फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर H2O मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है जिससे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, 4H+ आयन्स मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हमको मिलते हैं। देखो ये सब छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखना है, कितने कितने आयन्स मिलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कभी यही पूछ ले वो। अब ये रिएक्शन 6 टाइम चलती है, कितने टाइम चलती है, पूरा एक साइकिल चलता ही रहता है बार बार, 6 टाइम चलती है ये रिएक्शन। फिर इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयन ट्रांसफर होकर के आ जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर, ये आयन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स NADP+ को रिड्यूस कर देते हैं और उसको NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रिएक्शन भी 6 टाइम चलती है। फिर ये NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जिसकी मोनोमर यूनिट क्या थी हमारे पास, CH2O, ये 6 टाइम चलेगी तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा।
अब ये पूरी दोनों रिएक्शन हो गई, मैंने दोनों रिएक्शन एक्सप्लेन कर दी, कौन सी, ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, और ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, और ये है डार्क रिएक्शन, मीन्स फूड का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन है, जबकि ऑक्सीजन को रिलीज करने की प्रोसेस लाइट रिएक्शन के अंदर होती है। एक और बात यहाँ पर समझने की है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो H2O मॉलिक्यूल से हो रही है, किससे हो रही है, H2O से। तो ये बात ध्यान देने की है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर लगता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, दोनों चीजें हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यदि एग्जाम ऐसा पूछा जाए कि ऑक्सीजन किससे रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल से, क्लियर। और नेट रिएक्शन लिख दिया मैंने, 6H2O plus 6CO2 gives glucose and oxygen, ठीक। तो ये सारी रिएक्शंस भी हो गई, ये हुआ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के बारे में, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ध्यान देने की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।